अल्लाह خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما تنهر وأما بنعمة ربك جزاك الله ما شاء الله بسم الله कि जिन्होंने ये आज की तकरीब का एहतमाम किया है चोरी और जितने भी मेहमान मेहमान है मैं सारे शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मियां असदुर्रहमान साहब मेरा दिल नहीं करता कि मैं साबक एम एन ए कहां इंशाल्लाह आने वाले वक्त दे एम पी एम एन ए एम एन ए माशाल्लाह मेरा दिल नहीं करता साहब का कहने आने वाले वक्त दे माशाल्लाह एम पी ए मैं बकाया सारे जिन्हें भी दोस्त नवाब आया गया महल्ले चो तकरीबन 80% मेरे दोस्त भी भरा आए हैं। मैं सारे अगे अर्ज करूंगा कि जिस तरह मैंने चार दफा तुम लगातार मंथे भराया है इस वार्ड चो इस महल चो और बन के एम पी और एम एन ए अमीरवार भी तुम कामयाब मेरे महल चो कराया मैं बहुत शुक्रिया अदा करता इस तरह माशाला जो हम इलेक्शन आ रहा 15-20 दिन बाद शेर 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 का निशान है देखो वाह घर जाके अपने बच्चिया मावा मेरिया भैनों सब दसो ये शेर की मोहर लानी है और सब निशान निशूना फर्क करो नवाज शरीफ की हुकूमत आँदी है तुम देखो अस पूरा सैवरेज हर चीज जिथे टिकट से मेरी चेयरमैन नगर की कोई लड़ाई होती सी ना सिर्फ महिला कौशलवाद इजाफीवादियों के लोगों वास्ते होती सी मेरे गरीब भरा वा इन्हों के मकान बाकी ज्यादा वक्त नहीं मैं थोड़ा लेना चाहूंगा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया बकाया रह गया मैं लंगर ही कहूंगा कि अल्लाह ताला ने बहुत वसीह तरीके नाल असी लंगर बनाया तसली नाल खायो तसली नाल जायो ज्यादा अज तां नहीं दुनिया पार्टियां रौला रौला पाउंदे ना पायो हर नूं इंशाल्लाह ताला लंगर मिलेगा अल्लाह दे हुक्म नाल बकाया जिहड़ा हैगा मैं बहुत ज्यादा पीर अली बाबा साहब का और मियां असद मान मेरे बड़े भाई मैं शुक्रिया अदा करता खासकर इजाफीवादियों सारा कौसलाबाद इजाफीवादी बैठे है और इंशाल्लाह ताला तुहानूं रिजल्ट देणगे इलेक्शन वाले दिन शेर ही शेर होगी पूरे पीर महल चो इंशाल्लाह शुक्रिया मेहरबानी पीर महल की नाजम कैवें चेयरमैन कैवें तो चोरी खालिद सरदार साहब मुकाबले शिकस्त रहे हैं और उन्होंने शहर के लिए बहुत ज्यादा खुदवात दी है पीर महल का लड़ा चोरी खालिद सरदार सहारा मोहतरम मियां असदुर रहमान साहब जनाब मखदूम कुतुब अली शाह अल मरूफ अली बाबा मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों अहले मोहल्ला कौसराबाद अहले शहरियान सबको अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा तो चोरी कफार का सफर जरा सन 98 तो शुरू होया मैं भी कौंसलर बनया ये भी कौंसलर बने बड़ी तको दो पता पीर महल दिया चेयरमैनियां लैनिया कि सौखिया असि कोई 5 महीने कौंसलर लैके बाहर कदे मरी ते कदे पीड़ी ते कदे किते धक्के खा के असि बन गया चेयरमैन बने कादे वास्ते यार शहर दी तरक्की होवे शहर दे विच काम होण जिहड़े इत्थे तरक्याती काम रुके होण बदकिस्मती नाल मुशरफ साहब आए
पांच महीने असि मांडू लाए थे, अठवें महीने सानू उन्हें फर्क करता, कहते घर जाओ मार्शाला लग गया। चलो लेकिन साडा ये जदो जेल खत्म नहीं हुई, उस तो बाद 2001 दे इलेक्शन होए असि नाज़म बन गए। वह कोई इदां दा सिस्टम बनाता उन्होंने, पीर महलू दी यूनियन कौंसल बनाता, असी उन्ना काम नहीं करा सके जिन्ना असी चाहते सी। लेकिन चोरी कफार मेरे नाल लड़ाइया करते रहना है, इधर इधर इन्हां नूं सिर्फ अपने महल की सी, मैनू पूरे शहर की सी कि भी जिथे होवे काम चंगा होवे, हर जगह पे होवे, ए नहीं कि एक महल च काम चंगा हो जाए बाकिया च वखरा। लेकिन तुसीं देखिया होना कि 8 दे विच पीपल पार्टी दी हुकूमत सी, भाई 24 घंटे बिजली बंद रहनी, खाद ना लभनी, हालात बड़े खराब होए। उन्होंने आके बिजली दे भी कारखाने लाए, खाद भी सस्ती कीती, ते मियां अस्तर मान साहब ने साडे वास्ते तहसील पीरमल भी बनाई, हस्पताल भी बन गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल जेड़ा तुहाडे सामने बन गया वा, इंशाल्लाह अच्छी संतोष ज्यादा अच्छा स्कूल बनया वा, ते उहदे दाखले हुण शुरू हो जाने। मैं दसना चाहना कि मियां साहब ने सिर्फ पीरमल वास्ते कम अज कम मेरा ख्याल है कोई 1 अरब के मनसूबे ते लियांदे आ, मतलब हस्पताल, स्कूल, स्पोर्ट्स कंपलैक्स, वाटर सप्लाई, सेवरेज, ते आए कदों जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। मेरा दसण दा मकसद है कि कोई महला, कोई सड़क, कोई पिंड नहीं रहा सन 13 तो बाद 18 तक जिथे काम ना होया हो। जदों अपने बल्ले उन्हें आगे कहना सी पैक बंद, हर शह बंद, कोई शह ना लभे। दोस्तों दसण दा ये मतलब है कि यही एक जमात है जिहड़ी मुल्क नूं अगे लैके जा सकती है। मैं सारे दोस्तों दे अगे रिक्वेस्ट करांगा कि 8 फरवरी नूं इसे जमात नूं आपां जिताउणा, फिर ते निशान लाउणा। मैं 98 तों मियां सुलमान दे नाल ते अज तक ये आप दसणगे कि मेरा नहीं ख्याल औखा वेला भी आया, कदे पार्टी तो अगा पिछा नहीं गया। इन्होंने 2001 च गया खालिद सरदार अपने नाल बंदा कोई नहीं, तहसील नाजमी दा इलेक्शन लड़ना, मैं कहा जी मैनू आर्डर करो मैं लड़ना, साडे नाल बंदा ही कोई नहीं। उदो मुशरफ दा मार्शल सीगा, लेकिन तुहाडे भरा ने लब्बा किया लड़िया इलेक्शन, फिर दोनों पार्टियां तुहाडे भरा वांगर फिरदियां सी, एक पैसे चक के तुरिया फिरता सी, एक कहते सी अल्लाह वास्ते वोट दियो। अब पीर साहब गवाह इस गल दे, पीर साहब आए अपना करवाली साहब के नाल, इन्हां ने अल्लाह वास्ते वोट दियो। मैं मियां साहब नूं पुछया, मियां साहब कहते अल्लाह वास्ते वाले नूं हां कर, असीं इन्हां नूं हां कीती तां इन्हां नूं बनाया। दोस्तों इंशाल्लाह वफा कीती आ, तुहाडे नाल वफा करांगे, पहले भी कीती हुण भी करांगे। चौधरी गफार की बड़ी मेहनत आ, इन्ना सोहणा उहने पंडाल सजाया, असीं सारे दोस्तां दा भरपूर तरीके नाल शुक्रिया अदा करदे आ कि उह अपना टाइम कढ के इत्थे आए, ते हुण सिर्फ इक्को रिक्वेस्ट आ कि घर घर जाके वोट मंगो, शेर ते मोरल लाओ, शेर नूं कामयाब करो। इंशाल्लाह जिथों आपां तरक्की दा सफर छड्डिया सी उथों फिर शुरू करांगे। बहुत मेहरबानी, बहुत चौधरी खालिद सरदार साहब, चौधरी अब्दुल गफार साहब व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका व अहलियान पीर महल, अस्सलाम अलैकुम। माशाल्लाह एक बहुत अच्छा खूबसूरत पंडाल सजाया चौधरी अब्दुल गफार साहब ने, हमेशा की तरह ऐसे हमें मोहब्बतें दी और आप शहर वालों ने भी दी। तो दोस्तों सबसे पहले आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। उसके बाद आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर 1947 से लेके 2024 तक अगर हम इन सारे सालों का हिसाब लगाएं, तो अगर आप सोचें अपना दिमाग लगा के, तो अगर पाकिस्तान ने तरक्की की, पाकिस्तान में खुशहाली आई, तो वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में। किसी जमात ने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ, कोई भी जमात नहीं लेके गई।
अगर कोई लेके गई है जमात तो वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने। जैसे कि आपको पता है 2008 वाला जो टेन्योर था उसमें दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, बिजली नहीं थी, आटा नहीं था, पेट्रोल नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उन्होंने सारे हालात बेहतर किए, मेट्रो बनाए, मोटरवेज बनाए, पेट्रोल जो मिलता नहीं था वो हमें मिलता रहा, गंदम सस्ती, खाद सस्ती, और मुल्क में बेबहा तरक्याती काम हुए और पूरा मुल्क एक खुशहाली की राह पे जा रहा है। जबकि 2018 आया और 2018 में मैं तो ये कहूंगा कि हमारी ये कौम की गलती है जिसने वो गलती की और खमियाजा पूरे मुल्क में मुल्क ने भुगता। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जैसी कौमें होंगी वैसे हुक्मरान पैदा कर दिए जाएंगे, तो बहसियत कौम हमसे एक गलती हुई और हमने एक नाअहल हकूमत, नाअहल लोगों की हकूमत यहाँ पे पाकिस्तान में आई जिसने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया। और इंशाल्लाह अब आने वाला वक्त दोबारा शेर का है और इंशाल्लाह शेर कामयाब होगा, मुल्क में दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हकूमत बनेगी। दोबारा ये मुल्क तरक्कियों की जानिब दौड़ेगा क्योंकि जब आपका अच्छा फैसला जो होगा 8 फरवरी को जब आप शेर पर मोहर लगा के आप हमें कामयाब करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी और हमारा मुल्क जो है वो दोबारा खुशहाली की जानिब दौड़ेगा और आप सब खुशहाली की जानिब दौड़ेंगे। ये वोट आपका पाकिस्तान का समझे एक कर्ज। अक्सर हमें लोग इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि उन्होंने ये फैसला करना शुरू कर दिया कि हमने वोट किसी पार्टी को डालना ही नहीं, क्योंकि मुल्क के हालात से इतने वो तंग आ चुके थे कि उन्होंने ये जो वोट है ये हमारे पास एक पाकिस्तान का कर्ज है जो हमने हर 5 साल बाद इलेक्शन में अदा करना होता और इंशाल्लाह वो कर्ज हम पाकिस्तान का 8 फरवरी को शेर पे मोरे लगा के अदा करेंगे और पाकिस्तान दोबारा खुशहाल होगा। शुक्रिया साहब। जनाब चेयरमैन खालिद सरदार साहब, मेरे दोस्तों, भाइयों, साथियों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बात यह जी के मैं थोड़ी सी आपकी राय लेना चाहता हूँ कि जरा मुफस्सल बात करूँ या आपको भूख लगी हो तो मुफस्सल कर दूँ। ये मेरे भाई ने कहा कि जरा दरमियान ना जा सकते। बात यह जी कि हमें कभी कभी तो अपनी बात कहने का मौका मिलता है। अक्सर मेरे पास तो इतने मसाइल नहीं होते और मेरे दोस्त जो हैं वो कभी दूसरी शादी कर लेते हैं और कभी इंग्लैंड को चले जाते हैं, वो भी जरा मौका कम ही होता है। मैं तो समझता हूँ कि जो एक दफा गलत बाज लोग होते हैं जो गलती को दोहराते हैं, तो बहरहाल उनकी मर्जी है। मैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस गलती पर माफ करे और उनकी आकलन अच्छी करे। मेरे भाइयों यहाँ चौधरी असलम साहब का नाम सुनहरी हरूम में लिखा जाएगा। उन्होंने
हर इलेक्शन में हर मौका पर अपनी पार्टी। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त मार्शल लॉ था, मैं जब से मैंने अपना स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम से फारिग हुआ और कॉलेज चुनी थी, मैंने उस वक्त से ही सियासी जमातों में शामिल होकर क्योंकि मेरी ये सोच है कि सियासी मजबूत कौमी सियासी जमातों जितने भी मनसूबे हैं के हाथ से लगे हैं। मैं चाहता हूँ हाथों में हौला रखूंगा, जब आपका सबर का पैमाना जरा लबरेज हो जाए तो जरा इशारा करना। कुजेदा भी हो गया। बात यह है जी कि अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, ये इस बात के लिए कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ। ये चौधरी असल में पर उनका इत्मीनान था, छोटे छोटे कस्बे में तशरीफ लाए, कभी भी हम मकसद हयात नहीं था, ना अमीर होना मेरा जिंदगी का मकसद है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ और बचपन में मैंने बहुत सोचा कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आती थी। फिर मैंने जो हमारे मजहब ने कहा है पीर महल की सियासी में 1985 में मियां साहब ने आजाद इलेक्शन लड़ा लेकिन कामयाब ना तरीका इख्तियार किया जिंदगी का, वरना और मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता था कि दौलत कमाते हैं पर दौलत यही छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें लेते हैं और जिंदगी में खत्म हो जाता है। तो ये चीजें मकसद हयात नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इंसानियत की खिदमत को, अपने भाइयों की खिदमत को और सबसे पहले जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, जिस इलाके में रहता हूँ, उनके अवाम की खिदमत। ये नहीं कि मैं सारी दुनिया के इंसानों को दुश्मन हूँ, मैं इसको बहुत बुरा समझता हूँ कि मैं कहूँ जी मैं हिंदुस्तान का दुश्मन हूँ, मैं इंग्लैंड का दुश्मन, नहीं, वहाँ भी अल्लाह ताला की मखलूक और रसूल ने फरमाया कि तमाम मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है और अल्लाह ताला को वो शख्स पसंद है जो उसके कुंबे से प्यार करता है। आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, जो उनका अच्छा सोचता है आपको वो शख्स अच्छा लगता है। अब जिसने मुझे रसूल सब सुनते मोहब्बत है, अकीदत है बहुत, और जिन्होंने उनके अहले बैत से उनके कुंबे से जाति की है, मुझे उनसे बहुत दिल में उनके अफसोस है उनके रवैये पे, और मैं उनसे नाखुश हूँ कि जिनसे मुझे मोहब्बत थी उनके कुंबा से जिन लोगों ने ज्यादतियां की हैं मैं उनसे नफरत करता हूँ। इस तरह अल्लाह ताला का अगर रसूल फरमाए तमाम मखलूक, यहाँ इंसान नहीं कहा, तमाम मखलूक का, तमाम मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है और अल्लाह ताला को वो शख्स पसंद है जो उसके कुलबे से मोहब्बत करे। इसलिए मैं खिदमत खल्क को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझता हूँ और इसी में रजाए लाही, इसी पर कामयाबी। तो मैंने ये तरीका इख्तियार किया, MPA बनना, MNA बनना कोशिश मैंने की है, लेकिन वो अपने मकसद के लिए खिदमत के तौर पे, और अगर मैं इसमें मुझे हारना पड़ा इस जद्दोजहद में मैंने परवाह नहीं की। आप इस बात की परवाह, अगर मैं हार के खिदमत कर सकता हूँ हारूंगा, अगर मैं जीत के खिदमत कर सकता हूँ जीतूंगा, मुझे हार और जीत में कोई फर्क नहीं आता। मेरे नजदीक ये एक सफर, एक जद्दोजहद है जो जारी रहनी चाहिए। मेरे भाइयों आप देखें, हिंदुस्तान से मैंने अभी नवाज शरीफ साहब से जब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने मुलाकात थी, फिर अली बाबा साहब मौजूद थे, मैंने उन्हें कहा कि मैं लंदन आपके पास आया था, अल्लामा इकबाल ने जो खत लिखा था ना कायदे आजम को, पहले कायदे आजम हिंदुस्तान की तकसीम के हक में नहीं थे, वो मुजिदा हिंदुस्तान चाहते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल ने फिर उनको कायल किया और उनमें एक खत मैंने पढ़ा है जो मई 1937 में 1938 उसके अंदर 38 उसमें अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल को फौत हो गए थे। उन्होंने ये खत लिखा मई 1937 से उसके 11 महीने बाद वो फौत हुए। उन्होंने कायदे आजम को फिर कायल करने की कोशिश की इस खत में कि क्यों हमें मुसलमानों के लिए अलग मुल्क हासिल करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मकसद क्या था और हुआ क्या, सोचा क्या था और नतीजा क्या निकला, आप भी जरा गौर करें, मैं भी करता हूं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुजद्दा हिंदुस्तान में हिंदू जो सरमायादार, अब देखिए उसमें ज्यादातर सरमायादार
हिंदू थे, मुसलमान ज्यादातर पसमानदा थे, तालीम में भी वो आगे निकल गए थे और कारोबार और सनत और तजारत में वो हमसे बहुत आगे निकल गए थे। सबको पता है जो उस जमाने को जानता। तो अल्लामा इकबाल ने कायद आजम को कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू सरमायादार ने मुसलमानों की गुर्बत और बेरोजगारी के मसाइल हल नहीं होने दे, इसके लिए हमें अलग मुल्क हासिल करना। मुसलमानों की गुर्बत, ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की गुर्बत, उसने ये कहा कि मुसलमानों की गुर्बत और बेरोजगारी के मसाइल जो हैं वो मुतहदा हिंदुस्तान में हिंदू सरमायादार की वजह से नहीं हल, इसलिए अलग मुल्क होना चाहिए। मैंने एक दफा मैं नवाज शरीफ साहब से जब भी कभी मिला, हेलो की मसला तस्वीर ही बनाना चाहते बात कर रहे मेरे नजदीक ये सियासत एक बड़ा संजीदा मामला है, हमें गौर खौफ करना चाहिए कि हमने मुल्क के लिए क्या करना है, इसमें सुनना भी चाहिए और इसमें पूरी तरह फिर उसका इजहार भी करना चाहिए। मैंने सोच समझ के फैसले किए हैं, मैं उसका इजहार करता हूँ। वोट तो आप मुझे दे देंगे, फिर मैं क्या करूंगा? MLA बनूंगा फिर क्या करूंगा? कई दफा बना हूं फिर क्या हुआ? हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हमने क्या सोचा था और हो क्या गया। अगर ये गौर करने में आप तैयार नहीं है तो मुझे सिर्फ वोट की और सभी की रुकनीत की परवाह ही नहीं, और मैंने ये साबित किया, मेरे अमल ने साबित किया, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं MLA बनता हूं या नहीं बनता, मेरे लिए बेमैनी है। इसलिए मैं कहता हूं जो साहब गपशप लगाना चाहते हैं कहीं और चले जाएं, बाकी बात सुने, बाकी वो तो सुने। मेरे भाइयों, अल्लामा कायद आजम फिर मान गए, 1940 में उन्होंने लाहौर का रेजोल्यूशन पास किया जिसके नतीजे में 1947 में पाकिस्तान बना। उसका मकसद क्या था कि मुसलमानों की गुर्बत और बेरोजगारी के मसाइल के लिए हमने चाहिए। मैंने उस वक्त पीर साहब के सामने जब हम पार्लियामेंट बोर्ड के सामने पेश हुए तो मैंने कहा कि मैंने वो खत आपको लेके जहां से मैं सिर्फ 4-5 लाख, ये 2006 की बात है, 4-5 लाख रुपया मैं गरीब आदमी खर्च किया और लंदन गया और नवाजी को खत पढ़ाने के लिए। मैं ऐसा पागल आदमी हूं, मुझे सिर्फ मेमोरी नहीं चाहिए, मैं क्योंकि मुझे पता था कि इस शख्स ने दोबारा वजी आजम बनना है, मुझे 100% यकीन था और मैं चाहता था कि ये बने तो फिर वो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया जो हमारे मसायल है उनको हल करने के लिए कोशिश करे। मैं तो वजीर आजम बदल नहीं सकता, हमारे मुल्क में अभी माशरा इस हद तक नहीं पहुंचा कि गरीब आदमी एक मामूली वसायल का आदमी भी इस मुल्क का वजीर आजम तो बन सके। वो दुनिया उधर पहुंच गई है, वहां गरीब और मुतवसत तबके के लोग हुकूमत में आते हैं, यहां बड़े बड़े जागीरदार मखदूम और सरमायादार आते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, जब अवाम से हुकूमत बनेगी तो फिर हमारे हालात बेहतर होंगे। सरमायादार या जागीरदार या वडेरे ये कभी आपके हालात अच्छे नहीं कर सकते। आपके तबके से लोग आएंगे जिनको उसी तरह भूख लगेगी जिस तरह मुझे लगती है ये आप गरीब आदमी को लगेगी, जिनको वही मसाइल है उनको भी बिजली का बिल आएगा, उनको भी इसी तरह परेशानी होगी जब आपको और मुझे होती है। जब ये हालात होंगे तो मुल्क के हालात अच्छे होंगे, जब ऐसे लोगों से क्या जाता है। लेकिन हम आज तक वहां पर नहीं पहुंचे, हम बड़े बड़े लोगों को सहारा ढूंढते हैं, वो बड़ा आदमी आएगा उसको वोट देंगे। मैं मामूली आदमी हूं लेकिन फिर भी आपकी मेहरबानी है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है, चार दफा पहुंच रुकर मन गया हूं, लेकिन उससे मुझे कोई इत्मीनान हासिल नहीं हुआ जो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन मैंने वो खत लिया, वो किताब था जिसमें छपी थी, वो ली और मैंने 4-5 रुपया यानी रिटर्न टिकट लगा के मैं लंदन गया और नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में गया और उनको खत पढ़ाया। मैंने उसका जिक्र किया पीर अली बाबा के सामने, मैंने कहा वो खत आपको पढ़ाया था, अल्लामा इकबाल ने कहा क्यों पाकिस्तान आ चुका? मैंने कहा जब बताएं हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात अच्छे हैं या पाकिस्तान के मुसलमान। आज हिंदुस्तान हमसे ज्यादा खुशहाल हो गया, जाहिर है जब खुशहाल होता है मुल्क तो उसके हर फर्द को उसको खुशहाली भी समझता है, जब बदहाल होता है तो कारोबारी लोग भी बदहाल होते हैं, जिम्मेदार भी बदहाल होते हैं, गरीब तो होता ही है। तो मैंने कहा आज बताएं हिंदुस्तान हमसे इतना आगे निकल गया।
तो हमने मकसद किसके लिए पाकिस्तान हासिल किया था? आज दुनिया के अदारे हैं जो इस बात का पूरा सर्वे करते हैं कि दुनिया के किस मुल्क में मुआशी हालात, आवाम के हालात क्या, तालीम कहाँ ज्यादा है, हालात खुशहाली कहाँ है, सारी करप्शन कहाँ है, वो सारे अदारे फिर अपनी रिपोर्ट शाये कराई है। दुनिया में जो ये कहते हैं उन्होंने मुकर्रर किया हुआ कि ये मेयार है कि जितना खुराक हर इंसान को रोज मिलनी चाहिए ताकि वो सेहतमंद हो और वो अच्छी सेहत के साथ जिंदा रहे, उसके लिए उन्होंने मेयार मुकर्रर किया कितनी खुराक हर शख्स को खानी चाहिए और जो शख्स वो खुराक नहीं खा सकता उसके पास इतने वसाइल नहीं, उसको कहते हैं कि ये गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। उन्होंने मुकर्रर किया कि ये गुर्बत से ऊपर है और ये गुर्बत से नीचे है। उन्होंने उसको कहते हैं कि ये शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया, यानी जितना एक दुनिया में मेयार मुकर्रर किया है कि इतनी खुराक हर शख्स को मिलनी चाहिए ताकि वो सेहतमंद रह सके, जो उतनी खुराक नहीं खा सकते उसको मुतल्लिक वो कहते हैं कि ये गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। आज उनकी रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान में 11 करोड़ यानी तकरीबन 25 करोड़ लोग हैं, 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ग्यारह करोड़ लोग यानी वो जो मियार मुकर्र है वो चौरी गफार वाला नहीं, खालिद सरदार वाली तो दुनिया में करिए तो इधर है, अमीर आदमी है वो तो शादियां भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी वो रोटी नहीं खा सकता, वो खुराक नहीं ले सकता जो बुनियादी तौर पर जरूरत है, उसके बगैर वो सेहत बन जाता है, उतनी खुराक नहीं खा सकता, उनकी तादाद पाकिस्तान में 11 करोड़ है और पिछले 4 सालों में 3-4 करोड़ लोग और गुर्बत की लकीर से चले गए। हम नया पाकिस्तान बनाने लगे थे ना, जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो लोग थोड़ी तादाद में गुर्बत की लकीर से ऊपर जाने शुरू हो गए थे, हालात बेहतर होने शुरू हो गए। मैं आपको बताऊंगा उसका किस्सा। आज से हमने बहुत नाच गाना किया और अब और संजीदगी से नहीं लेते, मैं कहता हूं ये जो फैसले की घड़ी है ये एक संजीदा मामला होता है, ये शुगल और मजाक नहीं है, गौर फौर करना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे इलाके के लिए क्या चीज देता है, उसके मुताबिक फैसले करने चाहिए। और अगर हम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में क्या दिया, इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि बेशक अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलते जो खुद अपनी हालत नहीं बदलते। अल्लाह ताला ने जैसे अल्लामा इकबाल ने भी बार बार कहा कि अमल करो और ये करो, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ये हमने मेहनत की। अल्लाह ताला ने फिर इंसानों कौमों के मुतल्लिक क्या कहा कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो खुद अपनी हालत नहीं बदलते। जिन्होंने कोशिश की है वो कहां तक पहुंच गई है कौमें और हम किस बस्ती में चले गए, मैं बताऊंगा। हमने मेहनत नहीं की, हमने कोशिश नहीं की, हमने मुल्क के मामलात में दिलचस्पी भी ली और उसकी हमें सजा मिली है कि आज हम तबाह बर्बाद हो गए। मैं इसलिए कहता हूं और एक इंसान के मुतालिक भी अल्लाह ताला का यही फैसला, लैसा लिल इंसान मिल्ला मासा, किसी इंसान को कुछ नहीं मिलेगा, जो कुरान शरीफ के अल्फाज है ना अपने तौर पर नहीं कहता, किसी इंसान को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जिसके लिए वो मेहनत करे। अल्लाह ताला ने मेहनत में कामयाबी रखी है, कोशिश की और दूसरी इलम में कामयाबी रखी है, इलम हासिल करो अगर आपने बुलंदियां चाहिए कराची में अल्लाह ताला ने कहा, तो हम इलम में भी पीछे रह गए, हम मेहनत नहीं करते, कौमी मामला को संजीदगी नहीं सकते, इसको नाच गाना और शुगर मेला समझते हैं, ये नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि पुराने जमाने में लोग जंगों के जरिए, तलवारों के जरिए, एक दूसरे का कत्ल करके जरिए हुकूमतें हासिल करते थे। आज दुनिया महजब हो गई है, उन्होंने एक अच्छा तरीका निकाला है कि हम वोट दें, अपनी राय का इजहार करें और उसके नतीजे में हुकूमत आ जाए, कत्लो गारत ना हो। और अगर हम ये छीन लेते हैं किसी से कि वोट की पर्ची से आजादाना तरीका हुकूमतें नहीं बनेगी, वहां कत्लो गारत होना लाजम है, उसको रोक नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं कि वोट को इज्जत को मतलब यह कि वोट का जो एहतराम करो जिसने लोगों की राय का एहतराम करो, आपकी राय का एहतराम करो। हमने क्या किया 1946 में कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने और अंग्रेज हुकूमत ने फैसला किया कि ठीक है जी
मुस्लिम लीग कहती है हमने अलग मुनासिब हासिल करना है, कांग्रेस कहते नहीं है हिंदुस्तान को देते रहने चाहिए। कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि ठीक है जी अगर इलेक्शन करवा दे, अगर मुसलमानों की हिंदुस्तान में अक्सरियत मुस्लिम लीग को वोट दे तो हम ये मुतालबा मान लेंगे। 1946 में हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुआ था उसके उसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों की भारी अक्सरियत ने मुस्लिम लीग को वोट डाला, उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान लेगा, यानी वोट से हासिल किया और तबाह किसान किया। ये 1970 का इलेक्शन हुआ 300 की असेंबली थी, इलेक्शन मशी पाकिस्तान में 162 सीटें थी, 160 सीटें मुजीब ले गया, मगरी पाकिस्तान की सीटें 138 थी, 138 इसमें से भुट्टो साहब की जमात को 82 मिली, एक तरफ 160 मुजीब के अवामी लीग के, एक दफा 82 कौम ने, या मैं नहीं कहता कौम ने, जो उस वक्त बदबख्त लोग फैसले करने वाले थे, कौम दुश्मन मिल्लत दुश्मन दीन दुश्मन, उन्होंने वो फैसला नहीं माना और मशी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, वो बांग्लादेश पार्टी नहीं मानोगे तबाही होगी, हम मानते और फैसले ठोकते हैं, मैं इसमें तबाही समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही इस चीज से हुई, उस वक्त नहीं फैसला माना आवाम का, मुल्क तबाह हुआ। नतीजा क्या आप सोच सकते हैं भाई, मुस्लिम लीग तो बनी ढाके में थी 1906 में, और पाकिस्तान बनने से पहले जो मुतहदा बंगाल था जिसमें हिंदू भी थे मुसलमान थोड़ी सी अक्सरियत थी, जैसे इस पंजाब में भी मुसलमान ज्यादा थे हिंदू और सिख हमसे जरा कम थे, वहां भी यही हालत थी। तो हालत यह कि पंजाब में पाकिस्तान बनने से पहले कभी मुस्लिम लीग की हुकूमत ही बनी 1946 के इलेक्शन में, वो जो था टवाना सिजलिया टवाना, उसने हिंदुओं के साथ वोट किया, कांग्रेस के साथ बल्कि वजीर आला बन गया और मुसलमानों से गद्दारी की, यहां फिर भी एक हुकूमत नहीं बनी। और पाकिस्तान बनने से बहुत पहले हमेशा मुतहदा बंगाल में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनती रही, कभी एक फजलुल्लाह वजीर आला है तो कभी सोहरावर्दी है तो कभी ख्वाजा नाजमुद्दीन है, ये मुसलमान वहां मुस्लिम लीग की तरफ से जीते रहे, जहां मुस्लिम लीग बनी और हमेशा जीती रही वो लोग हमारे दुश्मन क्यों बन गए? जब किसी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे उनको उनके हकूक नहीं देंगे उनसे ज्यादा करेंगे तो यही नतीजा नहीं जाता। समझ रहे हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं जिंदगी गुजार चुका हूं, मैं 81 साल का हो गया हूं, 81 साल जा रहा है, मैंने जवानी में परवाह नहीं की मुझे ओहदा मिलता कि नहीं मिलता, मैं जीता हूं इलेक्शन में, जिसको सही समझता हूं उस पर डट जाता हूं, आप इस बात के दुआ हैं। लेकर हुआ क्या, हमने नहीं फैसला माना, हमें हमने जमहूरी अवाम की राय का इस्तेमाल नहीं किया, ये कोई मजाक नहीं है वोट की इज्जत हो, हम कहते हैं कि अवाम फैसला करे, अल्लाह ताला का यही फैसला कि कायनात हमारे आईन में यही लिखा है कि कायनात की हुक्मरानी खुदा की है, लेकिन इस जमीन पर उसने ये खिलाफत इंसानों को दे दिया, अपने इस मुल्क को दे दिया चूटियां पर, यहां वो उनकी मर्जी से फैसले होते, हम नहीं मानते कि कोई बंदूक वाला फैसला करेगा या कोई बादशाह करेगा या कोई आमर करेगा, नहीं ये खिलाफ इस्लाम बात है। यहां पर अल्लामा इकबाल के इसलिए एक शेर का है, मैंने नवाज़ी साहब इधर आए थे, मैंने उनके सामने ये शेर पढ़ा, मैंने कहा मैं किसी को हुक्मरान नहीं मानता, मैं सिर्फ खुदा को हुक्मरान मानता हूँ। नवाज शरीफ साहब के किसी को याद हो 16 अप्रैल 1999 वाला जलसा जिसमें मैंने कहा था मैं खुदा के अलावा किसी को हुक्मरान नहीं मानता, और अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा, सरवरी ये हुक्मरानी को कहते हैं सरदारी को कहते हैं सरवरी जेबा फकत उसी जात बेहमता को, बेहमता कहते हैं बेमिसाल, सरदारी और हुक्मरानी सिर्फ उसी को जचती है, सरवरी जेबा जेबा फकत उसी जात बेहमता को है, हुक्मरान है वही बाकी पता नहीं आता, और वो कहता मैं हाकम हूं वो पुत है उसको पास पास करना चाहिए, हाकम इंसान इंसानों का हाकम नहीं हो सकता, वो सिर्फ खुदा है, हम सिर्फ खिदमत करते हैं, आपको अगर पसंद है कि मैं आपकी खिदमत करूं मैं आपकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हूं, वरना जिसको पसंद है उसको दे दें, लेकिन आप अपनी मर्जी से दें और फैसले का नतीजा भी फिर आप भुगतेंगे, अगर अच्छा फैसला करेंगे तो अच्छा आप उसका नतीजा भी भुगतेंगे, अगर गलत फैसला करोगे तो उसकी सजा भी मिल जाएगी। आपने देखा कि जब कभी अच्छा फैसला हुआ है यहां पर हमने इलेक्शन में जिंदगी किसी और सही फैसला किया तो मुल्क तरक्की की तरफ गया है, और नतीजा ये हो एक खेल होता है जिसको लूडो कहते हैं, उसको लैडर एंड स्नेक्स या स्नेक्स एंड लैडर्स क्या कहते हैं, उसमें होता है कि वो लूडो खेलते हैं तो एक सीढ़ी आके उसको ऊपर पहुंच जाते हैं,
और वहां फिर शाम के मुंबर चले जाइए वापस हो, एक अच्छा फैसला होता है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर सांप के मुंह जाते हैं, बैनर कामी साजिश होती है, हम शुक्ल मेला समझ के उसमें शामिल होते हैं, बल्ले बल्ले ये बल्ले वो बल्ले, वो भाई कौम के मामलात हैं, 25 करोड़ मुसलमान इधर रहते हैं, वो खैर मुस्लिम भी रहते हैं, उनकी किस्मत का सवाल है, उनकी उनकी जिंदगी का सवाल है, बच्चों के हमारे कौम के मुस्तकबिल का, इसको संजीदगी से लें, इसको बल्ले बल्ले और शुक्र ना समझे, ये सियासत शुक्र मजाक नहीं है, ये फैसले करने की घड़ी है, सोच समझ के फैसला करेंगे आपको उसका नसीबा ही पालेंगे, गंदम बीजेंगे गंदम काटेंगे, जौ बीजेंगे जौ काटेंगे, कीकर का दरख्त लगाएंगे कांटे मिलेंगे, आम लगाएंगे तो आम का फल खाएंगे, अल्लाह ताला ने ये जनाब नहीं, ये नहीं हुआ कि कभी आप कीकर बोए और वहां उसको आम लग जाए, आप गंदम बोए तो जबी हो जाए या हो कुछ हो जाए, जो बीजेंगे वही काटे, ये अल्लाह ताला ने कानून बनाए हैं और कुरासी में अल्लाह ताला ने कहते मेरे कवानीन अटल है, ये बदल नहीं सकते, सूरज एक सेकंड भी कभी देर से नहीं निकलता, चांद अपने वक्त पे तुलू होता है, अपने वक्त गुरूब हो जाता है, अल्लाह ताला ने जो कवानीन बनाए हैं ये कायनात उन कवानीन के तहत चल रही है और इसमें अल्लाह ताला ने कहा मैं तब्दीली नहीं करता, ये हम समझ लें, हम वो जो करेंगे उसका नतीजा भुगत लेंगे, जो बीजेंगे, ये इलेक्शन जो है वो बीज बोने का वक्त हो गया, जो उस दिन आप बीज बोएंगे फिर उसके बाद 5 साल तक उसका फल खाएंगे या कांटे खाएंगे या कांटे लगेंगे आपके पाओ, जो करना है वो भुगत है, आपको मैं मिसाल देता हूं, अब देखिए मैं जानदारी से मेरा अमल मेरी जिंदगी इस बात की गवाह है कि मैंने वो क्या था 1985 का इलेक्शन वो माशाल्लाह था, इसलिए पाबंदी थी सियासी जमातों पर, इसलिए मैंने आजाद इलेक्शन लड़ा, लेकिन आपने देखा कि मैंने लालटेन का निशान लिया था क्योंकि 1964 में मादे मिल्लत और अयूब खान का इलेक्शन हुआ था, उसी वक्त मैंने वकालत शुरू की थी, तो मैं मादे मिल्लत के नारे लगाया करता था, मेरी उस जवानी में मेरा असर बसर कोई नहीं था, लेकिन मैं नारे मादे मिल्लत के लगाया करता था, इसलिए मुझे जज्बाती लगाव था लालटेन के निशान, इसलिए वो लालटेन का निशान लिया था, जब जमातें बहाल हुई इलेक्शन माशाल्लाह खत्म हुआ तो मैं मुस्लिम लीग में शामिल हो गया, हालांकि जो मुझसे जीते थे उस वक्त मखदूम अली साहब थी लिबराज जीते थे ना, मैं हार गया था, वो भी मुस्लिम लीग के थे क्योंकि वो हुक्मरान जमात थी, तो मैं भी मुस्लिम लीग में शामिल हो गया, मैंने तो नहीं कहा कि ये जो मुझसे जीते हैं ये मुस्लिम लीग में है तो किसी और में जमात में खालसा लीग में चले जाओ, मैंने कहा नहीं जो मुझे जमात पसंद है मैं उस पर रहूंगा, तो मैंने 1988 का इलेक्शन फिर इसी जमात के टिकट पे लड़ा था मुस्लिम लीग पे, और आज 2024 है मैं उसी टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूं, इस दौरान ये हुकूमत ये जमात कई दफा हुकूमत में आई है, इनके साथ रहा हूं, और जब ये अपोजिशन में गई है लीडर जेलों में गए हैं या मुल्क बदर में हुए हैं, तो क्या मेरा अमल यह गवाही नहीं देता कि मैंने जानदारी समझा ये बेहतर है और मैं उनके साथ खड़ा रहा, मैंने नहीं कहा कि चलो जी अब उनकी हुकूमत आ रही है, मुझे भी पता होता ये फ्रांस की हुकूमत आ रही है, मुझे भी पता होता था कि अमरीका का क्या फैसला है, और जो ताकतें यहां पर फैसला करती है उन्होंने क्या फैसला किया, मैंने परवाह नहीं की, मुझे 2002 में कहा गया काफ लीग में आ जाओ, तारक अजीज बुलाया जो प्रवेश ने मेरे घर आके कहा, मैंने कहा नहीं आऊंगा, उन्होंने कहा फिर फतियाना को हम जेल से निकालेंगे और इलेक्शन जितवा देंगे, मैंने कहा मैं लानत भेजता हूं मेमरी पर, मैंने नहीं आना, आपको पता है, आपको पता है कि 2002 में ना मेरा कबारिये में मेरे साथ कोई सिपाही उम्मीदवार था ना फिर मानते थे, मैंने इसी जमात से इलेक्शन लड़ा, मुझे पता था मैं हार जाऊंगा, मुझे पता था वो ताकतें जिन्होंने फैसला किया है कि काफली को जितवाना है, वो भाई बात यह है मैं आपसे पूछता हूं 1999 में जिसको नजरे कहते हैं पंजाबी में माशाल्लाह लगा, किसके वजीर आजम नवाजी नहीं था, मैं उसको कौमी असेंबली का रुकन था, तो परवेज मुशर्रफ ने उसके बाद कहा कि नवाजी मेरा दुश्मन है, उसको और उसके खानदानों को बड़ी अजीतियां दी और उनको बड़ी तकालीफ दी जेल में, और उसके बाद साल बाद वो मुल्क बदर हो गए, तो भाई उसके दुश्मन का साथी दुश्मन नहीं होता, अगर नवाजी उसका दुश्मन था तो मैं नवाजी का साथी था, मैं दुश्मन नहीं था, फिर मुझ पर नैब का केस क्यों नहीं बना, मैं जेल में क्यों नहीं गया, फतियाना क्यों गया, वो तो नवाजी का साथी नहीं था,
लेकिन मैं इलेक्शन में आया और मुझे लोगों ने वोट ही दी, मुझे कोई परवाह नहीं लोगों। जब मैं हार गया मुझे लोगों ने कहा जी, मैंने कहा आप मुझे आए हैं अगले दिन मिलने के लिए, खबर था कि किसी ने अफसोस किया, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे फख्र है कि मैं जिसको हक समझता हूँ उसके साथ खड़ा हूँ इस मुश्किल दौर में। 2008 में मैं फिर भी इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझे पता है मुझे किस तरह हरवाया गया। मेरे भाई ने उसके खिलाफ फैसला दिया था, उसका भाई इलेक्शन असेंबली में ना आया, मुझे पता चल गया इलेक्शन से पहले, मैंने परवाह भी नहीं की। मुझे फिर यानी एमपीए तीनों मुस्लिम लीग के जो थे मैं हार गया, मुझे फिर परवाह नहीं होनी। देख बात ये मैं कहता हूँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं मेंबर नहीं बना, मुझे इस बात की परवाह है कि मुल्क तबाह हो रहा है। 1999 में मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, बिजली के मुल्क में कोई लोड शेडिंग थी हमारे मुल्क में, बिजली घंटे में से 20-20 घंटे 22 घंटे बिजली नहीं आती थी गर्मियों में, पता ना उसकी वजह कि जब बुरी हुकूमत आएगी उनका मुस्लिम मुल्क के मसाइल से कोई उनकी उनके पास तवज्जो ही नहीं हुई। अब हर मामले को जाता हूँ, मैं कभी वजीर आजम नहीं रहा, कभी वजीर आला नहीं रहा, लेकिन मैं थोड़ी सी दिलचस्पी तो लेता, मुझे पता है ये आबादी बढ़ती है, नए मकान बनते हैं, कोई फैक्ट्री लग जाती है, कोई कारोबारी अदारा बन जाता है, वहां बिजली की जरूरत होती है। इसलिए बिजली की जरूरत और खपत हर साल 10% सालाना के हिसाब से बढ़ जाती है। अगर आपको अच्छी हुकूमत हो मनसूबा बंदी करते हैं कि इस साल इतनी जरूरत है, अगले साल इतनी जरूरत बढ़ जाएगी, उसके लिए इंतजाम करते हैं। 99 में हम गए, 2013 तक 1 मेगावाट बिजली बनाने का किसी ने इंतजाम नहीं किया, और नतीजा ये है कि जब हम बिजली फालतू छोड़ के गए थे, जब वापस आए तो 24 घंटे में से 20-30 घंटे बिजली लिया थी, फिर सारा इंतजाम किया। ऐसी पॉलिसियां बनाई गई कि यहाँ पूरा अमन था 99 में, और जब हम दोबारा आए तो कोई शख्स घर से बाहर जाता था तो घर वाले खुदा से दुआएं मांगते थे, वो चाहे बाजार में गया है, चाहे किसी पार्क में गया है, चाहे किसी मस्जिद में नमाज पढ़ी कि खैरियत से वापस आ जाए, वरना बम धमाका होता तो लाश आ जाती है। ये सही है या गलत है? 2013 में फिर हमारी हुकूमत आई, बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, ये मुल्क में अमन काम किया, ये दहशतगर्दी खत्म की 5 साल में कराची में और पूरे मुल्क में, और मुल्क तरक्की करने लग गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 2013 में जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, मैं तो इधर एमएनए था, क्या गंदम क्या रेट 1300 रुपया मन नहीं था, 1300 रुपया मन था, जब 2018 में गए वही था 1300 रुपया मन, ठीक। चीनी 51 रुपए अखविजा जिस कहते हैं किलो थी, गए हैं 2018 में 51 रुपए, खाद यूरिया यहाँ ज्यादा काश्तकार बैठे हैं या ज्यादा देहाती इलाके के लोग बैठे हैं, मुझे बताएं क्या अगर 1300 रुपए फी बोरी यूरिया का रेट था, लेकिन ब्लैक में 2200 रुपए की मिलती थी, मैं खुद काश्तकार था, शबासी और नवासी को बताई तो अगर 1300 रुपए था तो 1100-1200 रुपए में खुलेआम मिलती थी। डीएपी का रेट 2013 में 4500 रुपए बोरी था, मैं काश्तकार हूँ, नवासी शबासी भाई 2500 रुपए बोरी कर दिया, जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो तकरीबन 3500 रुपया था, हमारी कीमतों को कंट्रोल किया मुल्क में, ये मोटरवे किस दौर में बनी है तो मैं बता दें, तरक्याती काम लाहौर क्या क्या हालात है, अपने पीरमल को देख लें, जरा देख लें 2013 में कैसा था और 2018 में जब कह चुके कमालिया देख लें, किसी शहर में चलेगा, किसी गांव में चलेगा, किसी इलाके में चला जाएगा, हर जगह तरक्याती काम हुए थे, लेकिन फिर हमें पाकिस्तान दुश्मनों ने, अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मनों ने साजिश की, और यहाँ प्रोपेगेंडा किया, बेतहाशा ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं, और ये मैं आपको कहता हूँ जरा गौर से सुनने, मैंने पहले भी कई दफा कहा, मैं ये सिर्फ बात समझाने के लिए कहता हूँ, एमएनए बनने के लिए नहीं कहता, जब मेरी बेटी है मुझे कोई रिश्ता है बेटी का तो मैं बड़ी छान पटक करूंगा, बड़ी छान पटक करूंगा, क्या ये लड़का का किरदार कैसा है, ये शराबी तो नहीं है, ये जानी तो नहीं है, ये बदकार तो नहीं है, ये लुच्चा लफंगा तो नहीं है, ये जरायम पेशा तो नहीं है,
फिर मैं अपनी बच्ची का रिश्ता करूँ। एक बच्ची की जिंदगी का सवाल होता है, मैं इतनी जान भटक करता हूँ? जब पूरी कौम के मुस्तकबिल का सवाल हो फिर नहीं जान भटक करनी चाहिए? ये लोग कैसे हैं, इनका किरदार कैसे है? ये अच्छे लोग हैं या बदकार हैं? जिनकी बीवियां कहती हैं कि ये 24 का दिन नशा करता था और सब उसको लाके बल्ले 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 किया और नतीजा भुगत लिया, कहा कि हम चोर हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तो ये हाथ हौले आ जाते ज्यादा जारी रखा शहरी तक रखा हुआ जा। अच्छा नहीं, उन्होंने कहा था ना हाथ हौला रखना, इजाजत जरूरी होती है। मैं आपसे बात करता हूँ, ये कहते हैं जी ये चोर हैं, ये बड़े रिश्वतखोर हैं, बेईमान हैं, हमारे मुतल्लिक कहा गया जब हमारी हुकूमत खत्म की गई। मैं कहता हूं एक अदारा है बैन अल-अक़वामी जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहते हैं, वो सारी दुनिया का सर्वे कहता है कि किस मुल्क में रिश्वत करप्शन बदजानती ज्यादा है और किस मुल्क में कम है, वो उसके मुताबिक फिर अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर का अदारा नहीं है, ये बैन अल-अक़वामी अदारा है, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जब 2013 में मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो दुनिया में सबसे कम करप्शन वाला मुल्क उससे एक नंबर से शुरू हुए और पाकिस्तान उस वक्त था 124वें नंबर पे, यानी 123 मुल्कों में करप्शन हमसे कम थी, हम 124वें नंबर पे। 5 साल हुकूमत रही, जब हमारी हुकूमत गई तो रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान 117वें नंबर पे है, यानी 6 मुल्कों से हम बेहतर होते। 2018 में हमारी हुकूमत खत्म हुई, दोबारा इमरान खान के दौर में हुकूमत आई कि पाकिस्तान 140वें नंबर पे पहुंच गया। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। अब आप बताएं कि इस मुल्क में करप्शन और बदजानती, ये नहीं मैं कहता हमारे दौर में खत्म हो गई, नवाज शरीफ के दौर में ज्यादा थी या फिर बुज़दार के दौर में और इमरान खान के दौर में, बता दे। ये नहीं कहते हिंदुस्तान को 85वें 86वें नंबर पे है, हम 124वें से 117वें पे आए, वापस 140वें नंबर पे चले गए। ये है जिन्होंने हमें जोड़ कहा था उनका दौर। अब मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ, शहबाज शरीफ ज़ियाला था, वही जहां आया मेरी दावत पे आया, मैं सोचा मैंने नहीं था, आपकी तहसील बनाई, आपको ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो 50 करोड़ का स्कूल बन रहा है ये उसने किया और बहुत सारे मंसूबे किए और मैं उस MNA नहीं था, फिर MNA बन गया, आपकी सीवरेज उससे मंजूर किया, आपकी वाटर सप्लाई उसने मंजूर की, आपका यह लड़कियों का हाई स्कूल बनाया और बहुत सारा तरक्याती काम हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने कहा, सारी दुनिया ने माना कि शहबाज शरीफ, उसको शहबाज स्पीड कहते थे कि इतनी तेजी से काम करता है, चीन वालों ने कहा हम नहीं मंसूबे मंजूर करवा सकते, तकमील करा सकते जिस तरह ये करवाता है, तुर्की वाले ने कहा और दवा ने कहा जिस तरह ये काम करता है हम नहीं कर सकते, सारी दुनिया ने तारीफ की, यहां जोर जोर कहा, उसको जेल में डाला और किसको लाए, बुज़दार। आपने ये फैसला किया था शहबाज शरीफ की बजाय बुज़दार, उस वक्त कोई शराब होगी थे जिसको पैसे दे तो डीसी लग जाए, जिसको पैसे दे तो कमिश्नर लग जाए, जिसको पैसे दे तो SP लग जाए। ये मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, आप बताएं, मैं MNA रहा हूं 4 दफा, एक दफा वजीर मुबलकत भी रहा, हार जाता हूं कभी मुल्क से भागा हूं, कभी यही हुआ कि हुकूमत रही 2018 में या MNA लिया तो मुल्क से भाग गया। ये फराग होगी तार जमीन, इनके पास तो कोई होता ही नहीं था, ना कोई MNA ना MPA ना मिनिस्टर ना कोई और होता, वो क्यों मुल्क से भाग गए, क्यों नहीं आते वो सारे, उनको नोटिस दे रहे कि आओ तुम्हारे पास ये करप्शन के सबूत है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान में आ रहे। अभी हुकूमत खत्म हुई और चार्टर जहाज किराया, तुमने खुदा को सजदा किया होता, दिल से खुदा को माना होता तो तुम्हें फिर मोकलों की जरूरत नहीं थी, अमाल अच्छे करते काम अच्छे करते। अब देखे जी उनके मोकल ने कहा कि बुज़दार बहुत अच्छा आदमी है, अब उनको ऐसा मोकल मैं तो काबू करूं जो उनको ये कह दे कि अस्कुरमान भी अच्छा आदमी है, मुझे भी वजीर आला बना दे। मोकल कहा कि ये भाई मोकल ने सच कहा, बताए उससे पूछे बुशरा माई से, मोकल ने सच कहा था या गलत कहा था, ये बुज़दार ने क्या, अब बुज़दार कहाँ है जी,
शहबाज सिंह को जेल भी देते फिर वजीर आला बन जाता है, उसको जेलों में डाला फिर वजीर आजम बन गया। तो आपके बोकल उसको दोबारा वजीर आजम बना देना, बोकल नहीं था, मिलकर करप्शन करनी थी। ये इन्होंने ढूंढा कि ये शख्स को जो कहेंगे इसको डीसी लगा दो, इसको फलां कर दो, वो करता जाएगा। अब वो उसको ढूंढा, अब वो फराह गोगी भी भाग गई है मुल्क से, उतारक जुगीर भी भाग गया, और बुशरा भाई वो टेंट्स पे अंदर चलती फिरती है, पता नहीं कितनी देर उसने बाहर जाना है। और बुजदार साहब कहाँ है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपका 3.5 साल या 4.5 साल वजीर आला रहा ना पंजाब में, किधर है आप? जो मोकलों के सारे पे नहीं चलते ना, खुदा के सारे पे चलते हैं। मैं अब 81 साल हो गया, अब भी अकड़ के चलता हूँ। जैसे अहमद नदीम काफी ने कहा ना, पूरे कल से उसने तो नात के हिसाब से कहा, मैं इसको हम्स के लिहाज से खुदा की तरफ मंसूब करता हूँ, पूरे कल से मैं खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। हम जो खुदा के सहारे पे हैं, हम अकड़ के चलते हैं, चाहे मार्शल्ला हो, चाहे जनाब अपोजिशन में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, फिर चूहों की तरह बिलों में नहीं ढोसे पड़ते। आज उनको कहो जो बड़ा फौज के सर पे यहाँ पर बड़ा 3 दफा मुझसे जीता है, आज कहो 12 है ना, किधर छुप गया? आज सोनिया कहाँ है? आज आशवा कहाँ है? वो कभी बाहर आते जिस तरह हम दंदर आके करते थे, चाहे मार्शल्ला था, प्रेम शर्म के दौर में भी यहाँ मेरे भाई ने उसके खिलाफ फैसला दिया, वो हमारा दुश्मन मान गया, लेकिन फिर भी इधर सर उठा के फिरता था मैं, क्योंकि खुदा के भरोसे पे फिरता हूँ, उसकी बादशाही हमेशा रहेगी। ये आरजी बादशाह होते हैं, इनको नहीं मानना चाहिए, खुदा बादशाही हमेशा सदा खुदा की, जो खुदा को मानता है फिर नहीं सर झुकाता। जैसे किसी शायर ने कहा था ना, सरदार नदार दस्ते यजीद, अपना सर दे दिया यजीद के हाथ पे, हाथ नहीं दिया बैठने की, हक्का के बनाए लाइलाश शायर, जो खुदा को मानते हैं वो फिर किसी के हाथ में हाथ नहीं देते, अपना सर दे देते हैं। हम उनकी मानने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, जिस बात को हक समझा है उस पर डट गया हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है हुकूमत आती है या नहीं जाती, मुझे ये परवाह है कि मुल्क तबाह हो गया है। मैं आप सब ये कहना चाहता हूँ, अगर ये बात सच है कि मुस्लिम लीग ने यहाँ खिदमत की है, फिर आपका दीनी मिल्ली फर्ज बनता है कि आप मुस्लिम लीग का साथ दें, जिसका मैं देता हूँ, चाहे हार जाता हूँ, चाहे जीत जाता हूँ, चाहे हुकूमत में जाकर मैं मुस्लिम लीग का साथ देता हूँ। अगर समझते हैं आप, मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है बाकियों से, इसलिए मैं उनका साथ देता हूँ। नवाज शरीफ जो जेल में हो, वो जूते हो, लंदन हो, जहां भी हो, मैं खड़ा रहता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह ये समझते हैं कि बेहतर है और वो मुल्क की ज्यादा खिदमत करती है, फिर आपका ये फर्ज है, कौमी फर्ज है कि आप भी मेरी तरह उसका साथ दें और हार जीत की कतन परवाह ना करें। मुल्क हालात और अपनी सियासी जिद्दोजहद की कहानी उन्होंने पूरी आपको बताई, अब आपने भाई खाला भी पुछू वोट की लेकिन भाई हाँ ना, सीर कटर ओके आ किसे नू? प्यार में बतना जरा, प्यार में बतना जी। कोई नहीं, कोई नहीं। बात सालड़ में हैगा वहाँ जे, कोई नहीं साथ। मैं सारे ने बनाया, एक कदा क्या हो? यार इधर नहीं, बतू तो चलो इधर यहाँ पे तो उधर लो। नहीं, वैसे नहीं।
लो 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 कले जित गया बाकी सारे हार गए। ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੋ ਪਰਾਤਾਂ ਚ ਖਾਣ ਡਏ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਅੰਨ ਪਾਤਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਲਿੱਪ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ